न्यू लेसन, आज का लेसन है बेटा दैट इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है ना बेटा, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जो चीज है दैट इज अ मोटर डेवलपमेंट। कैन एनीवन टेल व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट बेटा? मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट किसको बोला जाता है बेटा? किसे कहते हैं मोटर डेवलपमेंट? एबिलिटी टू मूव। अब मैडम भी तो आपके मूव कर रहे हैं ना, यहां से वहां, वहां से यहां। दिस इज एबिलिटी टू मूव। ठीक है ना बेटा, एबिलिटी टू मूव या डेवलपमेंट इन मूवमेंट। हमारी मूवमेंट में डेवलपमेंट होना दैट इज आल्सो मोटर डेवलपमेंट। से या उस मूवमेंट को, मूवमेंट्स जो है सिर्फ लेग्स के नहीं है, मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी जो मूव कर रहा है या जेस्चर शो कर रहा है दैट कम्स अंडर द मूवमेंट। ठीक है ना, इसे कहते हैं हम मोटर डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बेटे इसको? मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट जो है दिस इज ऑफ टू टाइप। कितने टाइप की है बेटा हमारी मूवमेंट? हमारी ये मूवमेंट्स होती हैं दो टाइप की। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप। वन इज क्रॉस, अनदर वन इज फाइन, फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, एंड इन द सेम वे फाइन मोटर डेवलपमेंट। टॉपिक है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या है? जैसे बच्चा रनिंग करता है, सिटिंग, जंपिंग, किकिंग, ये सारी चीजें क्या है? ये क्रॉस मूवमेंट के अंदर। ठीक है ना, क्रॉस मोटर मूवमेंट्स के अंदर। अब फाइन के अंदर क्या आता है? जो ग्रॉस मूवमेंट्स होती हैं बेटे उसमें लार्ज मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है उसके अंदर स्मॉल मसल्स एंड बोन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है ना, अब वो कैसे है? मान लो सुई में धागा डालना, सुई से स्टिच करना, यू आर होल्डिंग विथ दीस टू इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ हम करते हैं, ना कि हम ऐसे पकड़ कर हम इस तरीके से सुई धागा नहीं चला सकते। इन द सेम वे व्हेन वी आर राइटिंग, सपोज व्हेन आई एम राइटिंग आई हैव टू होल्ड दिस चॉक विद ओनली टू फिंगर्स एंड वन थंब। इसको इस तरीके से मैं पकड़ कर नहीं लिख सकती या आप इस तरीके से नहीं लिखते हो। फाइन मोटर जस्ट विद द हेल्प ऑफ टू टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड वन थंब इज देयर। इन द सेम वे व्हेन वी आर पेंटिंग, आराम से जब हम पेंटिंग करते हैं या किसी चीज को ड्रॉ करते हैं वो हमारी किसके अंडर आती है? दैट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम बड़ी बारीकी के काम जो करते हैं। इन द सेम वे व्हेन वी आर कटिंग विद द सीजर, ठीक है ना, व्हेन वी आर पीलिंग समथिंग, ये क्या है? ये सारी चीजें हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। क्लियर हो गया? रनिंग करनी है,
हैंड्स की मूवमेंट करनी है जैसे मैं अभी करके आपको दिखा रही हूँ, या सिटिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग, दीज आर इन्वॉल्व्स अ लार्ज मसल्स इन्वॉल्व, वेयर एज इन अ फाइन मोटर हमारी छोटी मसल या स्मॉल मसल, स्मॉल बोन्स वेरी पर्टिकुलर, सी द फिंगर्स मूवमेंट, ठीक है, ये हमारी इन्वॉल्वमेंट है. Is it clear to you, बेटा? इतनी बात आपको क्लियर हो गई है या नहीं? Let me take the photograph first of all. Now next आते हैं हम children पे कर रहे हैं. तो सबसे पहले उनका जो movement है वो कौन सा है, उनकी growth और उसके लिए, ठीक है ना बेटा? एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट चिल्ड्रन. सबसे पहले है बर्थ से लेकर एक साल के बच्चे, ठीक है बेटा? बर्थ से लेकर एक साल के बच्चे का मूवमेंट्स आपने कभी देखा है बेटा? कभी देखा है जब बर्थ होता है किसी बेबी का तो व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट दैट चाइल्ड इज डूइंग, उसे हम सिर्फ लिटाते हैं, जिसमें उसकी क्या मूवमेंट्स होती हैं, उसकी लेग्स की होती हैं, उसकी हैंड की थोड़ी सी मूवमेंट होती है, या थोड़ी बहुत उसकी नेक की मूवमेंट होती है, इसके अलावा उसकी कोई और मूवमेंट नहीं होती है. नहीं होती ना बेटा? ये आपने चेक किया हुआ है ना, देखा ही होगा आम कि जो छोटे बेबीज हैं उनकी लिमिटेड मूवमेंट्स हैं. धीरे धीरे फिर क्या होता है बेटे, उनकी मूवमेंट में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है. आपने देखा होगा टर्न कर जाते हैं बच्चे सोए हुए, क्या होता है पेरेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, मदर्स वो पिलो साइड पे रखते हैं जब बच्चा सोता है. क्यों? बिकॉज आफ्टर सम टाइम्स जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है उसकी मूवमेंट्स में डेवलपमेंट होती जाती है और धीरे धीरे हम फॉलो करते हैं कि वो बच्चा टर्न कर गया है. उसके बाद उसकी स्नेल वॉकिंग होती है, यानी कि बेड पर ही वो क्या करना शुरू करता है, स्क्रॉल नहीं कर, वो क्रॉल नहीं करता है, क्रॉलिंग नहीं होती, रेड़ता नहीं है, उससे पहले वो अपनी पूरी बॉडी को क्या करता है, स्ट्रेच करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसे हम स्नेल वॉकिंग कहते हैं, ठीक है. उसके बाद वो क्रॉलिंग पे आ जाता है. आफ्टर दैट पेरेंट्स और विद समबडीज हेल्प वो बच्चे को बिठाया जाता है. बिठाने के टाइम पे क्या होता है बेटे, लार्ज मसल्स आते हैं, मूवमेंट वहां पर है, बट कंट्रोलिंग इज मिसिंग. जो कंट्रोल है सॉरी वो मिसिंग होता है. बच्चे को बिठाते हैं वो इधर गिर जाते हैं, उसके बाद उसकी नेक मूवमेंट जो है वो लगातार चलती रहती है. नेक मूवमेंट क्या होती है, यानी कि नेक की स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो सिर हिलाता रहता है, ठीक है. धीरे धीरे जो है टाइम पैसेज ऑफ टाइम के साथ और डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है. उसके बाद एक साल से दो साल के बच्चे में, लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि सेटअप एज से पहले किसी भी तरीके की बच्चे को मूवमेंट करवाना जो है वो इन द लॉन्ग रन उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है बेटा. अब एक साल से दो साल का जो बच्चा होता है उसके इन बिटवीन वो क्या करता है, वो मूवमेंट्स ऑफ द सराउंडिंग्स एंड ही स्टार्ट मैनिपुलेटिंग. मैनिपुलेटिंग का मतलब है अपने एनवायरमेंट को चेंज कर देता है, फेंकता है, थ्रो करना शुरू कर देता है चीजों को, बैठना, थोड़ा थोड़ा खड़े होना विद द हेल्प ऑफ बेड और समथिंग और विद एनीबॉडीज हेल्प स्टार्ट टेकिंग अ फुट फॉरवर्ड, चलना शुरू कर देता है. उसके बाद विदाउट सपोर्ट वो चलना शुरू करता है. सिटिंग जो है वो उसकी विदाउट सपोर्ट होती है. नाउ ही स्टार्ट ग्रैबिंग द थिंग्स. अब वो मैक्सिमम चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है ना बेटा. धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े स्टेप फास्ट करना शुरू कर देता है, या हम कहते हैं रनिंग उसकी थोड़ी बहुत मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद आता है जिसे हम
इनफेंट या टोडलर भी कहते हैं, 1 साल से 2 साल के बच्चों को, ठीक है। उसके बाद उसकी मूवमेंट और फास्ट हो जाती है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड अ मोटर डेवलपमेंट। जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती जाती है, वैसे वैसे मूवमेंट्स जो हैं वो उसकी क्या होती जाती हैं, उसकी एक्टिविटी फास्ट होती जाती हैं। उसके बाद उसमें आती हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये कौन सा होता है, 2 साल से 6 साल की उम्र का जो है पड़ाव, इसमें उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है। आपने देखा 6 साल का बच्चा जो है वो नॉर्मली फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाता है, उसका ब्रेन का फिजिकली डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो जाता है, ठीक है बेटा। रनिंग, बैटिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग, ये सारी एक्टिविटीज और फाइन मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो राइटिंग करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना और चीज़ों को कॉपी करना वो बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि ब्लैक बोर्ड से देखकर कॉपी का मतलब सिर्फ चीटिंग नहीं होता, यहाँ पर है किसी चीज़ को देखकर उसे माइंड पर सेटअप करके दोबारा। ये जो है ये डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है बच्चे, ठीक है बेटा। उसके बाद 6 साल से 12 साल का बच्चा जो है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं लेट चाइल्डहुड। इसमें उसकी एक्टिविटीज में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है, स्विमिंग करना, जिमनास्टिक करना, गेम्स खेलनी जो है, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन, ही स्टार्ट्स प्लेइंग बैडमिंटन आल्सो, क्रिकेट के बैट को, हल्का बैट जो होता है उसे पकड़ना शुरू करना, या हॉकी की ड्रिबलिंग वगैरह, ये चीजें जो है मूवमेंट्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती, ठीक है बेटा। इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आती है टीनेज, जिसे हम एडोलसेंट एज कहते हैं, जहाँ पर वी आर फुली डेवलप और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाती है। इसका मतलब ये साइकिल या स्टेप्स जो हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारी ग्रॉस और फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है वो हम क्या करते हैं, सीखते हैं और अच्छे से करने में, परफेक्शन लाने में परफेक्ट हो जाते हैं, और हमारे वर्किंग में, हमारे एक्शन में, हर एक चीज में परफेक्शन आनी शुरू हो जाती। इज दैट क्लियर टू यू ऑल बेटा, इतना क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेज। अब इनकी गाइडलाइंस क्या होती है, क्या क्या चीजें बच्चे की डेवलपमेंट में, कौन कौन सी चीजें बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी मोटर डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना बेटा। सम ऑफ द फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट फैक्टर्स, नाउ द फर्स्ट फैक्टर एंड द टॉप मोस्ट फैक्टर इज That is parent and heritage. हमें ये पता है कि हमें अपने माता पिताजी से ज्यादा true चीज या हमारे forefathers से हमें जो है वो चीजें मिलती हैं। There are some percent where we can change ourselves. चाहे वो good thing है, bad thing, यहाँ पर bad का मतलब habits या किसी से related नहीं है, यहाँ पर posture से है, habits से है, कई और चीजें हैं। फर्स्ट फैक्टर है दैट इज अ हेरिडिटी। सेकेंड वन इज देयर दैट इज इम्यूनाइजेशन। कैन एनीवन टेल द मीनिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन, आप में से कोई बच्चा अपने को अनम्यूट करके बताएगा बेटे कि इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। आजकल तो आपने इस चीज के बारे में बहुत सुना होगा बेटे, ये पैंडेमिक ने इन चीजों की या ये वोकैबुलरी तो हमारी बहुत इमेज कर दी है, कई चीजें हैं हम डेली सुनते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है बेटा, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, व्हाट इज इम्यून, इम्यून सिस्टम को डेली आता था ना शुरू शुरू में जब कोविड का बहुत था, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना अभी भी आता है सेफ्टी प्रिकॉशंस में या इनमें,
हर रोज ये बात बोली जाती है, इम्यून सिस्टम बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो फॉरेन बॉडी से, जो बाहर से आने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें हैं उनसे फाइट करने की उसमें क्षमता हो और तुम्हें बचाने की क्षमता हो, उसे कहते हैं एबिलिटी होना, उसे कहते हैं। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, आपने सुना होगा या नॉर्मली अगर आप, वैसे तो ना ही गए पर अगर आप कहीं हॉस्पिटल्स पे किसी को देखने गए हो या कभी चेकअप के लिए गए हो या क्लिनिक्स पे गए हो, तो वहाँ पर एक चार्ट लगा होता है नॉर्मली, जिसमें लिखा होता है इतने साल के बच्चे को ये वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है, ये वाला ड्रॉप उसको दिलाना ज़रूरी है, ये चीज़ें करना ज़रूरी है। वॉट इज दिस? This is related to the immunization करना, ताकि उसका बच्चे का बॉडी सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, उसमें फॉरेन बॉडी से लड़ने की क्षमता हो, वो अपने आप को सेव कर सके। इसीलिए कहा जाता है बेटे जो फिजिकल एजुकेशन है उसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वी कम टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, कि हमारी बॉडी के लिए क्या करेक्ट है, हमें कैसे अपनी बॉडी को रखना है, हम कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, हम कैसे फिट एंड फाइन हो सकते हैं। अगर नॉर्मली आप देखो तो टीवी पर आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स या क्वेश्चनिंग होती है जो रिलेटेड टू कोविड आम जो जनता है वो पूछती है, वो किस लिए, टू क्लैरिफाई व्हाट इज दैट, वो क्या चीजें हैं, वेयर यू हैव नॉट अ नॉलेज रिगार्डिंग द हेल्थ एजुकेशन, तुम्हें ये नहीं पता। लोगों को बार बार क्यों ऐड के द्वारा कहा जाता है पोलियो का दिन ये है, पोलियो ड्रॉप अपने बच्चे को लगाएं, दो बूंद जिंदगी के, ये क्यों बोला जाता है, व्हाट इज द मेन थिंग। लोगों में अवेयरनेस लाना, आम लोगों में जो 52-60 और मोर देन दैट पीपल आर देयर, दोस हु आर लिविंग इन अ रूरल एरियाज, उनका क्या प्रॉब्लम है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। उनमें वहम या अपने आप ठीक हो जाएगा या सुपरस्टिशंस जो है उनका काफी ज्यादा प्रभाव है या दूसरी चीजें जिसके कारण उन्हें हेल्थ में नुकसान होता है। और ये कोविड का सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए क्योंकि इसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। वाई टू मेंटेन अ डिस्टेंस, वाई टू कवर द फेस, ये बार 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 सोशल डिस्टेंस है, सोशली डिस्टेंस का मतलब है आम दूरी, क्यों रखना कि फ्लोटिंग ऑफ द वायरस जो है वो इतनी दूरी तक, 2 मीटर की दूरी बोली जाती है, तो उसका ये मतलब है। फेस को कवर रखने का मतलब है उसका कुछ मतलब है। स्नीजिंग करते समय या कुछ है, ये बच्चे को शुरू से हम बताते हैं, इसका क्या है कि उसकी जो बॉडी के अंदर की चीजें हैं वो बाहर दूसरे पर ना जाए या खाने में ना किसी के पड़े, इसकी केयर करें। लेकिन इन चीजों का कुछ नहीं होता, हमें तो वैसे ही कुछ नहीं होता, मास्क नहीं पहनना, अगर सिंगल राइडिंग है तो हम ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, वी आर सिटिंग अटैच्ड, ये नहीं कि डिस्टेंस मेंटेन करें, मोटरसाइकिल के 3 का बैठना कहाँ से जो है वो समझदारी की बात है, लेकिन क्या है, नोबडी नोज एंड नोबडी वांट्स टू थिंक अबाउट दिस कि ये हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी पूरी बॉडी या हमारी फैमिली के लिए कितना नुकसानदायक है, ठीक है ना। इनकी अवेयरनेस होनी बहुत ही जरूरी है, अलग से DPT वैक्सीनेशन जो है वो लगाने, बूस्टर्स लगाने, 6 महीने के बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को बर्थ टाइम में, या पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने, ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद होता है मदर फीड प्लस अ बैलेंस डाइट फॉर द एवरीवन। ये क्यों जरूरी है, डाइट लेना क्यों जरूरी है, खाना खाना क्यों जरूरी है हमारे लिए, या प्रॉपर डाइट बेटर मूवमेंट डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर डाइट लें,
जो हमारे लिए बहुत जरूरी है. देन द रेगुलर एक्सरसाइजेस हेल्प्स इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक्सरसाइज करेंगे हमारी एनर्जी यूटिलाइज होगी. वी नीड मोर फॉर आवर एनर्जी. हमें अपनी एनर्जी के लिए बढ़ाने के लिए हमें और भोजन की और खाने पीने की आवश्यकता होगी. लेकिन अगर हम लथार्जिक एटीट्यूड में बैठे रहेंगे तो थोड़े टाइम तक तो होगा, उसके बाद क्या है, हमें भूख नहीं लगेगी. या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस दे आर वी आर इनवाइटिंग देम, उन्हें हम इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारे साथ बैठो. इसलिए एक्सरसाइज का होना जरूरी है. व्हेन वी आर टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, ना सिर्फ हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकली होती है, हमारी मेंटल भी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो दोनों होती है. मैंने आपको पहले भी बताया था मेंटल डेवलपमेंट के अंडर कि बेटे खाना खाना मानसिक और शारीरिक तौर के लिए क्यों जरूरी है. शरीर को बढ़ाना और दिमाग को भी तंदुरुस्त रखना, चुस्त रखना, ताकि वो अपनी एज की एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना काम कर सके. लेकिन क्या होता है, नहीं मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता हूं. व्हाई यू आर नॉट टेकिंग द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, ब्रेकफास्ट का मतलब ही यही है आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 6 to 7 hours. रात को जब हम सो जाते हैं हमारी बॉडी जो है इनवॉलेंट्री चीजें वो अपने आप काम करती रहती है. डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, पचाता है खाने को, सप्लाई करता है ब्लड में, ब्लड जो है उसे अलग अलग पार्ट्स में करता है. तो हमारा अगर हमारी बॉडी के ब्लड और ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा तो ये तो हमारी बॉडी को डैमेज कर देगा, चाहे वो हमारे ब्रेन है या और सारे. और तुम्हें ये अच्छी तरह पता है कि सिर्फ हमारी बॉडी में जो माइंड के सेल्स है, ब्रेन के सेल्स हैं, वो दोबारा नहीं बनते, बाकी बॉडी में रिपेयर होते रहते हैं, लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं है. इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखा करो टू टेक अ ब्रेकफास्ट इन अ वेरी गुड मैनर एंड इन अ प्रॉपर टाइम. तभी वो प्रभाव बना था कि ईट अ ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ मिडल मैन एंड अ डिनर लाइक अ बैगर, सो दैट द थिंग्स विच वी हैव इन द लंच और इन द इवनिंग वो अर्ली ले लें, डिनर लेट ना करें, तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट प्रॉपरली होंगे, ब्लड अच्छा बनेगा, सारी तरफ सर्कुलेट होगा, फैट्स में एक्यूमुलेशन नहीं होगी, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं वो भी चेंज नहीं होंगे और हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी. अगर शुरू में या आयुर्वेदिक में या दूसरे में हमेशा हम लेक्चर सुने तो वो कहते हैं कि सूर्य के डूबने से पहले पहले शाम रात का खाना खा लेना चाहिए. वाई? बिकॉज आफ्टर दैट यू आर हैविंग अ लेस एक्टिविटी कंपैरेटिवली. और खाना खाने के इमीडिएट बाद तो हम एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट वज्रासन, ठीक है ना. तो इसके लिए क्या है, हमें अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना है. और शाम का खाए होने के बाद अगर हम सुबह खाते हैं तो हमारे पास ब्रेक जो है वो कितने आवर्स की है, 7 to 8 hours. दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू टेक अ प्रॉपर हैवी ब्रेकफास्ट. इतना भी मत खा लो कि सो जाए, लेकिन जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो ब्रेकफास्ट करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तभी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी. इज इट क्लियर टू यू बेटा? नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द टेस्ट. कल टेस्ट हुआ है, आपको पता है कि एक रूटीन बन गया है कि एक वीक गूगल फॉर्म में होगा, दूसरा पीडीएफ फॉर्म में होगा. अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन आपने नहीं किया, समृद्धि आपने नहीं किया, मयंक आपने भी नहीं किया, आदित्य मुगरे उसने भी टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया था, पायल बरारा अभी गायब हो गए, चलो आदित्य जी चले गए हैं, गुड. ओनली टू
4 and 2, 6 students are there along with me, sir. ये क्या है, क्यों नहीं हम टेस्ट देते? और कुछ बच्चे हैं जो ना क्लास अटेंड कर रहे हैं और ना ही टेस्ट देते हैं, उनके लिए ये इजी गोइंग है, पर मंडे ऑनवर्ड यू नो दैट ऑफलाइन क्लासेस आर स्टार्ट. उससे भी बेटर है अपनी नॉलेज को एनहांस करना, पढ़ो, पढ़ने के लिए हैं हम. और अगर हमने पढ़ना ही नहीं है तो फिर हम क्यों ऐसे वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम. समृद्धि, आपने बेटा कल पेपर नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड और यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग. जबकि मैं बार बार, वो उस टाइम पे ट्यूशन्स होती हैं तो जब आपने लिंक बंद कर दिया था ट्यूशन, उसके बाद खत्म होती है, इसलिए फिर. वैसे बताऊं बेटे, मुझे नहीं पता बाकियों का, लेकिन मैं 8:30 तक मैंने वो खोल के रखा था. मैं इमीडिएट आफ्टर 40 मिनट्स कभी भी बंद नहीं करती. आई नो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द ट्यूशन क्लासेस. मुझे भी इस चीज का ख्याल है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, आई हैव नो अबाउट दिस थिंग. कोशिश करो कि टेस्ट को अप्रूव कर लो, उसके बाद में उसको आप कर सकते हो ना, अटेम्प्ट करके भेज दो. आप टेस्ट करो तो सही, देखो तो सही उसमें क्या क्वेश्चंस हैं. मयंक, आपका भी सेम केस था, अदरवाइज आप देते हो दोनों, ऐसी बात नहीं है, आप क्वेश्चंस या टेस्ट करते हो. लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैंने 5 बजे डाला था, मैंने 3.5 घंटे दिए हैं और मुझे नहीं लगता है कि 8:30 तक कोई ट्यूशन होती हो. एट मैक्स 7:30 तक होती है, या प्रोलॉन्ग हो जाए तो वो 8:00 तक होती है, उससे ऊपर नहीं होती. ठीक है ना, आगे से ध्यान रखो बेटा, कर लिया करो. अगर कहोगे तो मैं वो खुली रख करूंगी, रिस्पॉन्स आते रहने दे. इसमें से कुछ फेक भी थे, ऐसा क्यों किया जाता है? दिस इज रॉन्ग. बी अवेयर एंड बी अलर्ट. मुझे कल पालक ढल से पूछना पड़ा, क्योंकि रोल नंबर में उस बच्चे ने एडमिशन नंबर अपना लिखा है और एडमिशन नंबर में भी एडमिशन नंबर लिखा है, बट द थिंग इज उसने एडमिशन नंबर में, रोल नंबर में अपना एडमिशन नंबर गलत लिखा है, जिससे टीचर को कंफ्यूजन रहती है कि ये किसी और बच्चे ने लिखा है या उसी बच्चे ने. फेक देते हैं, पुअर मेंटालिटी शो करते हैं, जहां पर नेम की जगह गलत वर्ड्स को यूज करते हो. दिस इज वेरी बैड एंड बिफोर बैड इट इज वेरी सैड. मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट टू गो थ्रू दिस लेसन्स ओनली. ये तुम्हारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, हेल्थ की डेवलपमेंट है, तुम्हारी मेंटालिटी की डेवलपमेंट है. व्हेन यू पीपल डू लाइक दिस एंड फील कि मजा आएगा, मैडम को कौन सा, ये चेक करने वाले को कौन सा पता है, चेक करने वाले को फर्क भी नहीं पड़ेगा. यहाँ पर किस चीज का आता है? आपका मेंटल लेवल, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपकी सराउंडिंग्स. आप देखो कितनी चीजें काउंट होती हैं. एंड इट गिव्स अ बैड इम्पैक्ट कि हमने इतने साल किस चीज में बर्बाद कर दिए कि हमने कुछ अर्न ही नहीं किया. फर्स्ट डे ऑनवर्ड व्हेन यू एंटर द स्कूल आपको मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, और सिर्फ स्कूल में ही नहीं सिखाई जाती, ये घर से ही सीखी होती हैं. घर में भी मॉरल वैल्यूज आप देखते हैं, बिकॉज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. चैरिटी बिगिंस एट होम, हम करते हैं ना, ये घर से होता है. लेकिन घर से कब है ये? हमारी फ्रेंड सर्कल, पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप, या उन चीजों से है. प्लीज बेटा, ऐसे जेस्चर मत शो करा करो, ये तुम्हारे लिए है, टीचर के लिए नहीं है. और ना ही सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, जिसके कारण मैक्सिमम डाउट जो है वो अलग अलग बच्चों पर जाता है. अपनी पर्सनैलिटी को गुड तरीके से डेवलप करो. इज इट ओके बेटा? दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू टुमारो. That's all.